Good morning students so in this video i will be giving you the fill in the blanks type question and jumble words type question dhyan se dekhna aur se post midterm exam ke liye prepare karna okay so here is your revision for post midterm exams and these are true or false type question the first one tomatoes and apples are rich in vitamins and minerals टमेटो और एप्पल में क्या होता है विटामिन मिनरल्स तो ये स्टेटमेंट ट्रू है राइस रोटी इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स तो ट्रू आएगा। थर्ड वन वेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इन टू आइस वाटर को गर्म करेंगे तो वो आइस बनेगा नो no. सो so, ये आंसर फॉल्स फोर्थ वन वाटर वेपर इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर हाँ वाटर वेपर वाटर जब बॉइल होता है गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको वाटर वेपर बोलते हैं तो ये ट्रू है फिफ्थ वन एयर डज नॉट कंटेन डस्ट गलत एयर में तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं पोल्यूटेड एयर में तो बहुत सारे होते हैं नॉर्मल एयर में भी होते हैं सिक्स वन एयर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स नहीं ऐसा किसने बोला प्लांट्स हो के एनिमल्स हो सभी को एयर तो चाहिए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स सेवेंथ वन पॉल्यूटेड एयर इज गुड फॉर हेल्थ अरे पॉल्यूटेड एयर से तो हेड होता है इरिटेशन होती है कितनी प्रॉब्लम होती है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एट्थ वन पेपर इज मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ ट्री ध्यान से देखो पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री ये बात तो सही है पर लीव्स से नहीं बनते वुड से बनते हैं पर यहां तो लीव्स है सो दिस इज फॉल्स नेक्स्ट नाइन्थ वन वॉटर हेल्प इन कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर येस ट्रू जूट फाइबर इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड गोट जूट फाइबर तो प्लांट से मिलते हैं और शीप और गोट में से तो वुल मिलता है सो ये फॉल्स नेक्स्ट वन ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड ये ट्रू ट्वेल्थ रिवर ओवर फ्लो इट कैन कॉज फ्लड बहुत तेज बारिश होने पे अगर रिवर में बाढ़ आ जाएगी तो उसे फ्लड बोलेंगे सो इट इज ट्रू थर्टींथ वन वेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड स्टोम अरे जब जेंटल विंड ब्लो कर रही है तो उसे तो ब्रीज बोलते हैं यहां तो स्टोम लिखा है सो ये फॉल्स मूविंग एयर इज कॉल्ड वेपर मूविंग एयर वेपर होती है नहीं उसे तो विंड बोलते हैं यहां तो वेपर लिखा है सो फॉल्स फिफ्टींथ वन कोल क्रूड ऑयल एंड सैंड आर नेचुरल मटीरियल्स ऑप्टेन्ड फ्रॉम अर्थ यस कोल, क्रूड ऑयल एंड सैंड ये सभी अर्थ में से मिलते हैं और सभी नेचुरल है सो इट इज ट्रू सो नाउ लेट्स डिस्कस द जंबल वर्ड्स टाइप क्वेश्चन सी हियर इट इज जंबल वर्ड्स ध्यान से देखना यू आर ए एल एन ए टी क्या हो सकता है ये देखो एन ए टी यू आर ए एल क्या बनेगा नेचुरल देन सेकेंड वन ई के ओ आर ई ई एन क्या हो सकता है देखो के ई आर ओ ई एन ई क्या बना केरोसिन थर्ड वन एल ओ आर टी ई पी देखो उल्टे से देखो तो ई टी आर ओ एल क्या बना पेट्रोल फोर्थ वन एस टी आई सी एल पी क्या हो सकता है पी एल ए एस टी आई सी प्लास्टिक फिफ्थ वन ई बी एफ आई आर एस देखो एफ आई बी आर ई एस एफ आई बी आर ई एस फाइबर्स Then ये देखो डी जी ई टी एस आई क्या हो सकता है डी आई जी ई एस टी कैसे भी करके मिक्स हो सकता है मतलब डाइजेस्ट नेक्स्ट वन एम टी वी आई ए आई एन एस क्या हो सकता है देखो वी आई टी एम आई एन एस क्या बना टमिनस फिर ये यू आर ई एन आई टी एन टी एस कितने सारे एन और टी है तो क्या हो सकता है देखो एन यू टी आर आई ई एन टी एस न्यूट्रिय फिर ये देखो एफ ए डबल एल एस एन ओ डब्ल्यू इजी है देखो एस एन ओ डब्ल्यू स्नो एफ ए डबल एल फॉल स्नो फॉल फिर ये देखो एफ एल ए के ई एस डब्ल्यू ओ एन एस क्या हो सकता है एस एन ओ डब्ल्यू स्नो एफ एल ए के ई एस फ्लेक्स फिर ये G E एन ओ एक्स वाई क्या हो सकता है ओ एक्स वाई जी ई एन ऑक्सीजन देन एल एल पी ओ यू टी आई ओ एन क्या होगा पीओ डबल एल यू टी आई ओ एन पल्यूशन देन जेड डबल ई आर E, जिब्रा नहीं बनेगा क्या बनेगा बी आर डबल ई जेड ई ब्रीज देन डी ओ सी एल यू एस क्या हो सकता है सी एल ओ यू डी एस क्लाउड्स एंड लास्ट वन आर ओ एन आई टी जी ई एन क्या होगा एन आई टी आर ओ जी ई एन नाइट्रोजन आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है ठीक है बाय बाय